If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल T24 टाइम में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ जियो फोन पे जेबी स्टोर कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोन पे जेबी स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं यदि आपके फोन में पहले से ही ओमनी एसटी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे चलिए मैं इस पर दिखा दूँ जेबी स्टोर में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखिए जब मैं जेबी स्टोर को ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ आपको जेबी स्टोर का आइकन दिख रहा है, तो इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ जेबी स्टोर जियो स्टोर की ही तरह है। जिस तरह से जियो स्टोर में आपको काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से आपको जेबी स्टोर में भी काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो जेबी स्टोर का एक्सक्लूसिव है और यहाँ पे गेम्स है, तो चलिए इसका एक्सक्लूसिव में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है आपको न्यूज के लिए, और यहाँ पे देखिए इनेबल हॉटस्पॉट। तो चलिए मैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए जीमेल मिल रहा है, जेबी हॉटस्पॉट, यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जीमेल डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे जेबी हॉटस्पॉट को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे डाउनलोड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसे आपको एक बार बैक करता हूँ और दिखाता हूँ, ऐसे आपको कई सारे यहाँ पे आपको गेम्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे कई सारे गेम्स आपको मिलेंगे, तो गेम के पार्ट में भी चलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से गेम हैं। तो यहाँ पे देखिए 4-in-1, 5-in-1 कई सारे गेम हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू मैन, काफी सारे गेम है, बबल है, बबल शूटर, चेस, जेम्स, आइस ब्रेकर, यहाँ पे काफी सारे गेम आपको मिलेंगे और आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सोशल पे देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे सोशल पे आपको फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम भी है, ये देखिए इंस्टाग्राम है, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ इंस्टाग्राम को। ये देखिए इंस्टाग्राम भी डाउनलोड हो चुका है, और भी टेलीग्राम है, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, थम्बलर है, ट्विटर है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। और ऐसे ही यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, और आपको अपने फोन में कैसे इसको इंस्टॉल करना है ये भी मैं बता रहा हूँ, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पे इंटरनेट के लिए काफी सारे ब्राउजर दिए हैं अलग अलग तरह से, यहाँ पे मल्टीमीडिया कैमरे के लिए एप्लीकेशन दी गई हैं काफी सारी, स्पोर्ट के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे ट्रेवल वेदर के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम बैक। अभी तक हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो यहाँ पे अभी शो नहीं करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ओमनी एसटी पे आना है, ओपन कर लेना ओमनी एसटी एप्लीकेशन को, और यहाँ पे देखिए ये जीमेल, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो अभी इनवैलिड हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है। और चलिए इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इनेबल वाईफाई हॉटस्पॉट को भी इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टाग्राम को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम आ चुका है मेरे फोन पे, ये देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। अब इसके बाद जेबी हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं, इसको तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपना हॉटस्पॉट नेम डाल सकते हैं, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और अब बताता हूं आपको जेबी स्टोर को आपको इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने ब्राउजर में आना है। यदि आपके फोन में पहले से ही ओमनी एसटी इंस्टॉल है तब आप जेबी स्टोर को यूज कर सकते हैं।
और यदि आपके फोन में ओमनी एसटी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ही आप जेबी स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सर्च पे गए और यहाँ पे google.com को कट करते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो मेरा लिंक है आप उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे टी आपको लिखना है, टी आई एन वाई, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, तो ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है सी, और एक बार फिर से सी लिखना है, और उसके बाद स्लैश स्लैश जो टेढ़ी लाइन होती है उसको, ये यहाँ पे टेढ़ी लाइन है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है जे बी एस टी, तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा। अब उसके बाद गो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है और एक ऑटोमेटिकली एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे आपके देखते देखते। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुकी है, एक बार मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, दोबारा डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर बैक कर देते हैं और फिर से चलते हैं ओमनी एसटी पे। ये ओमनी एसटी पे आए और उसके बाद यहाँ पे ये जेबी स्टोर यहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स पे। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉलेड यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक इस तरह से आपको भी अपने फोन पे जेबी स्टोर को इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।